नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नए और इंटरेस्टिंग वीडियो में। दोस्तों बहुत ही बड़ी खबर आ रही है आईपीएल 2018 से, जहां पर दोस्तों राजस्थान रॉयल्स के कप्तान स्टीव स्मिथ ने जो है राजस्थान रॉयल्स की कप्तानी को छोड़ दिया है। और दोस्तों उनके बदले जो है राजस्थान रॉयल्स ने अपना नया कप्तान अजिंक्य रहाणे को घोषित कर दिया है। दोस्तों अभी जो है फिलहाल आधी खबर आई है, सिर्फ जो है स्टीव स्मिथ राजस्थान रॉयल्स की कप्तानी के पद से हटाए गए हैं, उनके बदले जो है अजिंक्य रहाणे को नया कप्तान बनाया गया है। दोस्तों अभी तक तो कोई भी खबर नहीं आई है कि जो डेविड वार्नर है और स्टीवन स्मिथ है उनके ऊपर बैन लगा है। अभी सिर्फ यही खबर आई है कि जो स्टीव स्मिथ है वो रॉयल्स की कप्तानी से हट चुके हैं और रहाणे जो है उनके नए कप्तान घोषित किए गए हैं। दोस्तों आगे जो है डेविड वार्नर और स्टीव स्मिथ के ऊपर बहुत बड़ा फैसला आने वाला है कि उनको जो है आईपीएल खेलने देना चाहिए कि नहीं। ये सारी जो खबर है शायद से हमें एक दो दिन में देखने को या फिर सुनने को मिल जाएगी। तो आपको बस हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है ताकि आपसे जो है आईपीएल की कोई भी खबर मिस ना हो। दोस्तों आपको फिर से एक बार बता दूं कि जो स्टीव स्मिथ है वो रॉयल्स की कप्तानी से हट चुके हैं, उनके बदले जो है अजिंक्य रहाणे को नया कप्तान बनाया गया है। तो दोस्तों फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और क्रिकेट खेलते रहिए।